गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं रिवीजन में आपके, परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। देखिए बच्चों, भारतीय दार्शनिक हुए थे, भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड, महर्षि कनाड, इन्होंने क्या कहा कि कोई भी पदार्थ या द्रव्य लो और उसको विभाजित करते जाओ, विभाजित करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक सीमा ऐसी आएगी जब विभाजन आगे नहीं होगा, और आगे जब विभाजन नहीं होता तो लास्ट में जो सूक्ष्मतम कण प्राप्त होता है उसे कहा महर्षि कनाड ने परमाणु। क्या कहा? परमाणु। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने क्या प्रतिपादित किया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया कि यदि द्रव्य द्रव्य कोई भी पदार्थ, जैसे कि चोक लें, चोक को आप घिसते जाओ, घिसते जाओ, घिसते जाओ, घिसते जाओ, लास्ट में बिल्कुल छोटा कण प्राप्त होगा। तो क्या कह रहे हैं उन्होंने, क्या प्रतिपादित किया है कि यदि द्रव्य को विभाजित करते हैं तो द्रव्य छोटे 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 कणों में विभाजित हो जाता है जिनका जिनका एक सीमा बाद एक सीमा के पश्चात विभाजन नहीं होता और सूक्ष्मतम कण प्राप्त होता है जिसे परमाणु कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे बच्चों? परमाणु। ये भारतीय दार्शनिक है महर्षि कनाड, और इन्होंने कहा कि कोई भी द्रव्य लो और उसको विभाजित करते हैं, द्रव्य छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है और अंत में एक सीमा आती है, तो जिनका एक सीमा के पश्चात, जिनका आपको ढंग से नहीं दिखाई दे रहा होगा बच्चों, हम जिनका की जगह लिख देते हैं, अंत में एक सीमा के पश्चात विभाजन नहीं होता और सूक्ष्मतम कण प्राप्त होता है जिसे परमाणु कहते हैं। ये किसने दिया बच्चों? भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने, भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने। इस ये तो भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने दिया था, एक ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस, ग्रीक दार्शनिक है डेमोक्रिट्स एवं ल्यूसिपस, वो भी इसी तरीके से कह रहे हैं कि यदि द्रव्य का विभाजन
करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब विभाजन आगे नहीं होता। देखिए कि दार्शनिक ग्रीक दार्शनिक है डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस, वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम क्या करें, द्रव्य को विभाजित करें करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी प्राप्त होगी जब क्या होगा कि आगे कण का विभाजन नहीं होगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब आगे कण का विभाजन नहीं होता। देखिए कि एक स्थिति ऐसी आती है, देखिए कि जब अब कण प्राप्त हो रहे हैं छोटे छोटे, आती है जब कणों का विभाजन नहीं होता। ऐसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाते हैं, तो ये दिया था बच्चों किसने, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस ने। और भारतीय दार्शनिक कौन थे बच्चों, महर्षि कनाड। आप नोट कर लीजिए बच्चों इसे। आपके जो सिलेबस में है वही कराया जाएगा आपको। परमाणु एवं अणु लेसन नंबर 3 कर रहे हैं हम, और इसमें हमने महर्षि कनाड द्वारा जो भारतीय दार्शनिक है उन्होंने परमाणु किसे कहा वो बताया। इसके बाद ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस थे, उन्होंने क्या परमाणु को परिभाषा दी। अभी बच्चों डाल्टन, जॉन डाल्टन थे, उन्होंने भी परमाणु सिद्धांत दिया है। जॉन डाल्टन है उनका सिद्धांत हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम करेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। आपको पहले जो कक्षा हुई थी पिछली बार जब ये लेसन पढ़ाया था तब इसके नोट्स लिखवा दिए थे बच्चों, अभी भी आप नोट करते चलिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। देखिए जो ये रासायनिक संयोजन के नियम हैं, ये दिए थे लवाइजिए और प्राउस ने, दो नियम दिए थे। तो हम बता सकते हैं बच्चों, क्या बता सकते हैं कि लवाइजिए और प्राउस ने प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पर रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए। लवाइजिए एवं प्राउस ने अपने प्रयोगों के आधार पर रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम दिए हैं किन्होंने, लवाइजिए और प्राउस ने। पहला नियम है बच्चों
द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लवाइजिए और प्राउस्ट हैं, उन्होंने रासायनिक संयोजन के नियम दिए हैं, दो नियम दिए हैं। पहला नियम बता रहे हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। नोट कर लीजिए बच्चों। तो लवाइजी और प्राउस्ट ने प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पर दो नियम दिए, रासायनिक संयोजन के नियम। एक नियम था रासायनिक संयोजन का, पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। अब हम एक एक नियम करके लेके चलेंगे। पहला नियम है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभी पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था बच्चों, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, रूप, रंग या फिर अवस्था परिवर्तित होती है, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा था हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या था कि भौतिक गुणों में परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन आ जाता है और नया पदार्थ प्राप्त होता है। ये था रासायनिक परिवर्तन। तो जब बच्चों रासायनिक परिवर्तन होता है तो दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक आपस में संयोग करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो क्या, या फिर उसको गर्म करें या ठंडा करें, तो क्या होता है कि अभिक्रिया से पहले यानी कि रासायनिक परिवर्तन से पहले या रासायनिक अभिक्रिया से पहले और उसके बाद उनके द्रव्यमानों को अगर मापा जाए तो द्रव्यमान क्या रहता है, फिक्स रहता है, स्थिर रहता है। तो हम बता सकते हैं बच्चों रासायनिक परिवर्तन, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया में पदार्थों के द्रव्यमानों में परिवर्तन नहीं होता। देखिए बच्चों, जैसे हमने कोई ए पदार्थ लिया और बी पदार्थ से उसकी अभिक्रिया कराई, आपस में क्रिया कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और एक नया पदार्थ बनता है ए बी। क्या बनता है? नया पदार्थ ए भी। ए और बी दो पदार्थ हैं, आपस में क्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है ए बी पदार्थ। मान लीजिए आपने ये लिया था 2 ग्राम, ये लिया था 3 ग्राम, 3 ग्राम। अब जो नया पदार्थ बना है वो बनेगा बच्चों 5 ग्राम का टोटल ऑल ओवर। देखिए 2 ग्राम और 3 ग्राम अभिक्रिया से पहले दोनों का मिला के द्रव्यमान कितना था? 5 ग्राम।
और अभिक्रिया के बाद जो बनेगा पदार्थ उसका भी द्रव्यमान कितना होगा? 5 ग्राम। तो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जा सकता है, ना तो एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, उधर नहीं बढ़ा सकते हम, 6 नहीं कर सकते उसे, यहां टोटल 5 आ रहा है तो 5 ही बनेगा। तो ना तो क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान का सर्जन कर सकते हैं, ना ही विनाश कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते कि 4 ग्राम कर दें, ऑल ओवर चाहे गैस बनेगी इसके साथ चाहे द्रव बनेगा, ऑल ओवर सारा जो वेट आएगा वो कितना आएगा, द्रव्यमान कितना आएगा, अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था। अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान बराबर होता है, अर्थात अभिक्रिया से पहले और बाद में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ना तो हम द्रव्यमान का सर्जन कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, और इसे ही कहा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बच्चों एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर आपको इसका नियम बताती हूं, मैं परिभाषा लिखवाती हूं। बच्चों अभी वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। स्वागत है बच्चों आपका। तो अभी हम देख रहे थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम परिभाषा लिखवा देते हैं। क्वेश्चन आ जाए द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है, न तो सृजन होता है और न ही विनाश अर्थात हम बता सकते हैं कि
कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम देख रहे हैं हम, स्थिर अनुपात का नियम। आपको पिछली कक्षा में तत्व की और यौगिक की परिभाषा बताई थी। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। और अनुपात कैसा होता है? उनका निश्चित अनुपात होता है। जो तत्वों का अनुपात है वो निश्चित होता है या स्थिर होता है? तो लवाइजिए और अन्य वैज्ञानिकों ने इस पर प्रकाश डाला, इस नियम पे। लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने क्या कह रहे हैं? लवाइजी और अन्य वैज्ञानिक वो क्या कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो हो या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक तत्व मिलके क्या बनाएंगे? यौगिक। इस यौगिक में, जो ये यौगिक बना है, इस यौगिक में तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। तो तत्वों का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। चाहे यौगिक को कैसे भी बनाया हो, या देखिए, दो या दो से अधिक तत्व है वो क्या है? यौगिक बनाते हैं। तो ये जो यौगिक बना है, चाहे इसे कैसे भी बनाया हो या चाहे किसी भी स्थान से प्राप्त किया हो, लवाइजिए बोलते हैं कि दो या दो से अधिक कोई तत्व हैं और दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। और ये जो यौगिक बनते हैं, इनमें जो तत्व है उनका अनुपात क्या होता है बच्चों? स्थिर होता है। अब ये यौगिक बना है, चाहे कहीं से भी इसको प्राप्त किया हो, कैसे भी इसको बनाया हो, किसी ने भी इसको बनाया हो, क्या होता है? अनुपात स्थिर होगा। जैसे देखिएगा कि जल है, जल तालाब से भी प्राप्त होगा, समुद्र से भी प्राप्त होगा, कुएं से भी प्राप्त होगा, कहीं से भी अगर हम जल प्राप्त करते हैं तो जल का सूत्र होता है H2O। और इसमें जो तत्व है, इसमें तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तत्वों का अनुपात भी क्या होगा? स्थिर होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि क्या हो जाए, 3:5 हो जाए, 7:16 हो जाए, ये नहीं होगा। हमेशा अनुपात क्या होगा? फिक्स होगा, 1:8। किसका? द्रव्यमानों का या तत्वों का। तो हम देख सकते हैं बच्चों, एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसकी आगे डिटेल बताते हूं।
तो ये परिभाषा आपने नोट कर ली होगी। देखिएगा, हम कह रहे हैं चाहे किसी भी स्थान से प्राप्त हो, चाहे किसी ने भी इसे बनाया हो, तत्वों का अनुपात क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जल, जल, जल का सूत्र होता है H2O। हमने जल प्राप्त किया नदी से, तालाब से, समुद्र से, झरने से, नलकूप से, बारिश से, वर्षा से, कहीं से भी हम जल प्राप्त करें, कहीं से भी हमने क्या किया, जल प्राप्त किया, कहीं से भी आप प्राप्त करो, जल का हमेशा सूत्र रहेगा H2O। कभी भी जल का सूत्र चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं है कि H3O हो जाए या H2O2 हो जाए, जल का सूत्र ये नहीं होगा। अदर पदार्थ तो बन जाएंगे लेकिन जल का सूत्र तो हमेशा यही रहेगा H2O, चाहे कहीं से भी प्राप्त किया हो, कैसे भी इसे बनाया हो, चाहे प्राकृतिक रूप से हो या कृत्रिम रूप से हो, जल को कैसे भी बनाया गया हो, सूत्र हमेशा क्या रहेगा, H2O। अब देखिए बच्चों, जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक है, इसका द्रव्यमान होता है एक, कितना होता है एक हाइड्रोजन का, हमने एक रखा, लेकिन हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं इसमें बच्चों, नीचे देखिएगा दो हैं, तो हम इसको दो से गुणा करते हैं। दूसरा तत्व क्या है बच्चों, ऑक्सीजन, तो हमने अनुपात निकालना है, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अनुपात द्रव्यमान कितना होता है 16, एक परमाणु है तो हमने एक लिख दिया। वंस अगेन समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, तत्वों का अनुपात निकाल रहे हैं, एक तो तत्व है इसमें हाइड्रोजन, दूसरा तत्व है ऑक्सीजन, और इनका अनुपात हम निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का होता है द्रव्यमान एक, और इसके परमाणु कितने हैं दो, तो आ गया एक गुणा दो। अनुपात लगा रहे हैं, हम अनुपात लगाया, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, परमाणु यहां पर कितना है एक, तो हमने किया 16 गुणा 1। अब हमारे पास क्या आता है बच्चों, हमारे पास आता है एक को दो से गुणा किया 2 अनुपात 16। गणित में आप करते ही हैं कि अगर किसी पहाड़े से कट जाता है तो काट देते हैं, तो आप देखेंगे कि 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आता है बच्चों, 1 अनुपात 8। और अगर टोटल देखोगे तो H2O प्राप्त होगा, वो होगा 9। देखिए कैसे, कि अगर हम 1 ग्राम, इधर बता रहे हैं कि हम क्या करें कि 1 ग्राम तो लें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ले 8 ग्राम, तो जल मिलेगा हमें 9 ग्राम। तो किसी भी तरीके से इसे बनाया गया हो, किसी भी मेथड से किसी ने भी इसे बनाया हो, हमेशा जल का जो तत्व है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनका अनुपात हमेशा रहेगा 1 अनुपात 8, स्थिर रहेगा ये अनुपात। तो यही लवाई जी बता रहे हैं कि जो यौगिक है, ये यौगिक है जल, H2O क्या है, यौगिक है, तो यौगिक किससे बना होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से। तो यहाँ पे दो तत्व तो ये हो गए और एक तत्व हो गया, तीन तत्व हो गए, तीन तत्वों से मिलकर ये यौगिक बना है जल, और कहीं से भी किसी भी तरीके से इसे प्राप्त किया है, इसके तत्व, ये तत्व इसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इन तत्वों का अनुपात क्या रहेगा बच्चों, निश्चित रहेगा, स्थिर रहेगा। यही है बच्चों स्थिर अनुपात का नियम, जो लवाइजिए ने और किसने दिया, अन्य वैज्ञानिकों ने। आप इसे नोट कर लीजिए समझने के लिए। तो ये तो बताया था किसने बच्चों, लवाइजिए और अन्य वैज्ञानिकों ने। प्राउस्ट ने ही इस स्थिर अनुपात को अपने ढंग से व्यक्त किया, प्राउस्ट ने।
किसका बता रहे हैं बच्चों? अभी हमने बताया था लवाइजिए का, अब हम बता रहे हैं प्राउस्ट का। तो किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। किसी भी यौगिक में तत्व निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हैं। ये प्राउस्ट ने दिया, थोड़ा सा उसको परिभाषा को बदल दिया है, ज्यादा नहीं बदला है। बात तो वही है कि अनुपात निश्चित रहता है, अनुपात इससे रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ अपना नया रूप दिखाते हैं। तो इन्होंने अपना नया रूप दिखाया, तो इन्होंने ये परिभाषा दे दी कि किसी भी यौगिक में तत्व निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो ये हमने देखा बच्चों, रासायनिक संयोजन के नियम, दो नियम हैं रासायनिक संयोजन के, एक तो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। ये जो रासायनिक संयोजन के नियम दिए, तो इसी के आधार पर जो जॉन डाल्टन थे, इनको आधार बनाते हुए जॉन डाल्टन ने क्या किया, इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत पेश किया था 1808 में। देखिए बच्चों, अगर हम आपको बताएं तो जॉन डाल्टन एक गरीब परिवार से थे, बहुत बहुत ही गरीब परिवार से थे। इनका 1766 में जन्म हुआ बच्चों, एक गरीब जुलाहे के घर में 1766 में। अब जब ये 12 वर्ष के थे, तो इन्होंने अपनी जीविका चलाई, अपना इन्होंने भरण पोषण के लिए क्या किया, एक स्कूल ज्वाइन कर लिया, एक शिक्षक बन गए एक स्कूल के अंदर 12 वर्ष की आयु में। 7 वर्ष बाद वो एक कॉलेज, एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। 7 साल बाद क्या हुआ, एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। अब क्या हुआ कि प्रिंसिपल बन गए, लेकिन उनको फिर भी तभी भी चैन नहीं मिला, तो उन्होंने 1793 में कहां चले गए, मैनचेस्टर चले गए, मैनचेस्टर। और उन्होंने एक कॉलेज में गणित, भौतिकी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, तीनों को पढ़ाया, और वहीं पर ही शिक्षण में और शोध कार्य में अपना जीवन निकाला, अपना टाइम पास किया, टाइम निकाला किसमें, शिक्षण में पढ़ाते हुए और रिसर्च करते हुए। उसके बाद 1808 में रिसर्च करते करते उनको परमाणु सिद्धांत का ज्ञान हुआ, और 1808 में जॉन डाल्टन ने क्या दिया, परमाणु सिद्धांत दिया। तो हम देखते हैं बच्चों, सर जॉन डाल्टन ने 1808 में, सन 1808 में रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार पर, नियमों के आधार पर परमाणु सिद्धांत दिया, परमाणु सिद्धांत दिया।
क्या दिया बच्चों? परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन क्या कहते हैं बच्चों कि जो जो परमाणु है वह क्या है? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। तो जॉन डाल्टन के अनुसार चाहे तत्व हो या यौगिक या मिश्रण, छोटे 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 कणों से मिलकर बने हैं। इस सूक्ष्मतम कण को उन्होंने भी, किन्होंने? जॉन डाल्टन ने भी सूक्ष्मतम कण को, डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन ने भी परमाणु कहा। तो सर जॉन डाल्टन थे, सन 1808 में रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार पर इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। और ये क्या कहते हैं कि चाहे तत्व हो या यौगिक हो या मिश्रण हो, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, और इन सूक्ष्म कणों को ही डाल्टन ने परमाणु कहा। तो बच्चों ये जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया 1808 में, और इस परमाणु सिद्धांत को हम देखते हैं नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू।